कंचे हैं, आंखें नहीं। खेले हुए लगते हो हमको तो। लो, कहाँ तक किया था महेंद्र? याद नहीं? इसमें एक में 27 26 27 तक किया था मैंने, 26 तक किया था। लो भाई, अब इसमें 27वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप मुझे तकलीफ जहां जहां हो वहां बता देना। मेघराज, कहाँ तक की इस सीट को सो? क्यों? क्लास बस सीट सोल्व करी थे, चकी काल तक सोल्व करी, बिन सोल्व करी ना। कोई बात नहीं, अपार की लॉस को नहीं था, करो मत करो। चलो 27वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सत्ताईस वाली सीट है। आप लोग जहां जहां तकलीफ हो वैसे बता देना। 27वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, 27वां क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है, ऐसे सर्कल है और सर्कल में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये ए, ये बी और ये सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतकोण कितना होता है? 60 60 और 60। अब इसके बाद में ये बोल रहा है इधर से क्या खींचा हुआ है, सी, और ये त्रिभुज कौन सा था? त्रिभुज था ए बी सी, और ए बी सी नहीं, ए बी डी होगा, है ना? और यहाँ पर दे रखा है डी, इसको ऐसे करो आप, ऐसे त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी है और ए बी सी डी, और ये एक ऐसा है चक्रीय चतुर्भुज, इसको ए बी डी करो, प्रश्न में ऐसा सही नहीं है। त्रिभुज ए बी डी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसने बोला है कि कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए, कोण कौन सा ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। अब चूंकि प्रश्न में दे रखा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब ये 60 है, इसको यदि x माने तो 60 प्लस x इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो x बराबर क्या होगा? 180 माइनस 60 तो 120 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। आपको कितने लगे? इतना ही होता है, ठीक है। चलिए चारों के साथ में ये कोई लिखोगे? आपने सीट सोल्व की क्या है? पीछे सीट ही नहीं है, एक सीट का। दिनेश जी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एंकर ने दो सीट ले, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, दो पेज। देखो प्रिंटर की है क्या चाबी? खुला ही ना, जाओ अगला करें। एक काम करो ना, आप डाउट पूछ लो ना सीधे, कुछ नहीं बाकी लोगों के, कंटिन्यू चलने दू, ठीक है। ये मीनाक्षी का है, मार सोच देखे एंठा है, सर की रिवीजन कराना है, काल ने भूल नहीं जाओ टाबरान पढ़ाए। ત્યાં આવે જતી વાર જીએસટી લગાણી ત્યાં ફિલણો પણ યાદ આણ લેમિનેશન ફલગ ગયોડા બે ભણો આ લેમિનેશન આ હા એક દિન હે ને ક્વેશ્ચન નંબર 28 ક્વેશ્ચન નંબર 28 28 ઇસ પ્રકાર હે કન્ટિન્યુ કર રહે હે ક્વેશ્ચન 28 મેં હે એ બી સી ડી એક ચક્રીય ચતુર્ભુજ હે 28 हो जाएगा 29 29वां करते हैं। ये ओ,
ये यहाँ पर होगा ए बी सी ए डी, ये आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 100 डिग्री। अब आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है केंद्र पर जितना कोण बनता है उससे आधा कहाँ बनता है परिधि पर, तो यहाँ पर ऐसे मिला दो इसको और बना दो परिधि पर, इसको ई, ये कितना हो गया 50, और यदि ये 50 है तो ये आमने सामने के कितने होते हैं 180, तो ये कितना हो जाएगा 130, और इस सरल रेखा के एक साइड कितना बनता है 180, तो 130 और ये कितना हो जाएगा 50, तब इनका योग हो जाएगा 180। वेरी सिंपल, ठीक है 29वां हो गया। नोट करोगे कोई? दूसरा पैटर्न बस सेम ही है, ये 100 है होएगा, ये पूरा का पूरा योग 360 नहीं होता, ये 100 हो गया, 360 में से 100 गया तो ये बाहर वाला कितना हो गया 260, इसका आधा यहाँ होगा तो भी वही बात है। ठीक, अब अगला चक्रीय चतुर्भुज, देवी जी हमने इसको ऐसे यहाँ से मिला के बना दिया, हमने ये ऐसे मैंने मिलाया है इसको, ये लो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ये 100 है केंद्र पे तो परिधि पर कितना बनेगा। अब ये ए ई सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों के चारों शीर्ष परिधि पर हो, अब आप ये केंद्र पे, अब समझ नहीं, अब ये 50 से कितना होगा 130, ये सरल रेखा इसके एक तरफ कितना बनता है 180, ये 130 से कितना है, एक ही निकालोगे तीन सेट निकालो, और इनके को निकालनी, अयो ए और बांटे अलग है, कोई बात नहीं और निकाल, घर की दुकान है एन दे दियो, नहीं आया नहीं, मनोवार तो करो, आज पहली बार आया है। थे ना तो इन लोड मत ले लीजिए कि बाकी सब यहाँ करे, वो टॉपिक खत्म है, कल द एंड है, मंडे नहीं है शुरू, तो चलो 28 हो गया, 28, 29 भी हो गया, 30 30 बताना है, हाँ ये ओ है वो लाइन पे लाना है, ये ओ है ना, ओ ए बी रेखा पर है, दिनेश जी तेमन भेजी नहीं बा है, हाँ चारों पेज काटो एंड तीन सेट काट दीजिए, वो पुराने मूवी में खत उड़ के जाता वैसे तो लगे, देखिए चलिए ये देखिए 30वां, ये यहां पर ओ है, लटक गया ये ए ये बी सी, आपने वो एक रील देखी क्या इंस्टाग्राम पे, वो पहले ना वो उसको ऐसे मूर्ति जाके हाथ खोलता है तो वो मुंह खुल जाता है, फिर वो उसको मुंह को बंद करने के लिए उसको धीरे से नीचे से ऐसे करता तब तक वो माटी पिचक जाती है, फिर वो ऐसे करता है तब तक पूरा कबाड़ा हो जाता है, देखा हुआ देखी ना, और रील वो हो गई, ये अपन ने सर्कल के साथ प्रैंक कर लिया। अब देखो
अब क्या बोल रहा है, इसको इससे मिलाया हुआ है, और साथ ही साथ इसने बोला, अरे आवाज ने चर्रा अटक रहे, तो ए लकड़ तुम्हें थान दिया कि भाई इन सही खड़नो है। अब ये 130 है और वो चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी ओ की तो जी ओ केंद्र में गुजरे, ये मतलब वो व्यास है, यार व्यास है जो को अटे परिधि पर कितना डिग्री को कोण बनावे 90, वो 90 डिग्री, वो 90 है, वो 50 है जो वो 100% की तो हुई 40, क्यों हुई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 90 और 50 140, 140 तो ये कितना होगा 40, तभी तो 180 होगा। व्यास है ना, वो था रविवार का काम तमाम कर दे, वो व्यास है ना, ये परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है 90। अब देखो ये कितना है 40, अब कौन सा निकालना अपने को, आएगोगे वाह वो निकालना, और आगे देखो चाय ठंडी कर दी, ये एक पेज हो गया, लो ये किसका था, आपका है क्या, वो लाओ दूसरा वाला 31 से, गुण 60 तक है पूरा, गुण 60 अब कम तो नहीं तो ये आई जो किमें तो काटना कमी कम तो दिखे, बस कांच में दिखे जो आलाइटा को नहीं, व्यास है जो परिधि पर समकोण अंतरित करे, दो दिन दिन और रात पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 31 अभी आ रही है सीट, चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन। थांके 21 नंबर है, मेहतर रीजनिंग मिला जे ई में, सोलह कम नंबर आएगा, सोलह 17 कर दें, 17 कम नंबर आएगा ना, पर थाने पच क्लास वाले डिसाइड करी था कहीं करना, थानू पार्टी लेनी है कहीं करना है वगैरह वगैरह, 17 कम आ जाए जान, ठीक है 17। देखो भाई मेन का बीच बात हुई है, रिकॉर्ड भी है, ठीक है ये झूठ भी नहीं बोल सकते, चलो आगे 31 ये यहां पर है। आलोक कहां तक कर लिया आपने, ये ए बी सी डी, ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें दे रखा है कोण ए बराबर है 2x प्लस 4, कोण बी बराबर कितना है x प्लस, और कोण सी बराबर कितना है, और कोण डी बराबर कितना है 5y प्लस। अब ये कह रहा है x और y का मान, ठीक है। अब थाने ध्यान है कि ये आमने सामने का कोण एन को कितो योग हुई बबीता 180, तो बी और डी ने जोड़ा जन कितो होनो, मतलब x प्लस 10 प्लस 5y प्लस 5 कितना होना 100, x और 5y ने साइड में रख दियो, ये कितना होगा 10 और 5 15, ये 15 बी साइड जाए जन का जी माइनस का 15, 180 माइनस 15 होगा 165, आ समीकरण 1। अब इन दोनों को योग कितना हुई, मतलब ए और सी ने जोड़ो 2x प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 0 बराबर कितना हुई 100, और दो नंबर समझा एक जोड़ बाकी करनी है अंधे की जोते 2x प्लस 4y बराबर है 180, नीचे है x प्लस 5y बराबर कितना 100। अब ये अब आप आराम से कर सकते हो इसको,
कैसे करना है? देखो मैं तरीका बताता हूँ। आप थोड़ा बहुत आता है आपका सॉफ्टवेयर काम करता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है एक्स, तो इसको अपन कितना कर दें, या फिर यहाँ पर पड़े पड़े ही देखो इसको कि या ये एक्स है ये दो एक्स है, तो अपन क्या कर देते हैं इनके एक्स को बराबर कर देते हैं, तो ऊपर वाले समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण को दो से क्या कर दो गुणा करते ऊपर क्या बन जाएगा प्लस 165 इंटू दो कितना होगा 230। और नीचे वाली क्या है 2x प्लस 4y बराबर कितना 100, घटाओ 2x में से 2x गया 0, 10y में से 4y गया, 330 में से 180 गया 100, सही है 150। तो y बराबर कितना हो गया 150 बट्टा 6, और 6 दो 12 और 6 5 30 वाई कितो आएगो 25। ई वाई ने थे कटे रख दियो, ई वाई नेट रख दियो, थांको मन करे तीम रख दियो, थांको मन करे तीम कर दियो, थांको एक्स की वैल्यू है जी इम रखो वाई की वैल्यू, तो 2x प्लस 4 इंटू 25 बराबर 180। चल देखो 25 इंटू 4 100, 2x प्लस 100 बराबर 180, 2x बराबर हो जी 80, x बराबर कितो आएगो बहुत ज्यादा है। अब इक्वल से नहीं करो, आप पर्सन पर डिपेंड करे कि पर्सन की डिमांड का है। दो कॉमन आ जाए बिल्कुल जी, दो कॉमन आए तो जी इसमें से दो कॉमन आएगा तो हो जाएगा। मैंने इनको करके दिया था धर्मेंद्र को, दो कॉमन लेके कल पर्सन हो जाएगा। ये काई कहने चाहता था, ये आ कह रहा है कि x प्लस 5y बराबर कितो है 165, नीचे है 2x प्लस 4y बराबर 180, तो ये कह मैं ही मुँह दो कॉमन ले लूँ पूरी मुई, चल अटू दो कॉमन ले, चल अटकाए जी x प्लस 2y अटकाई तब जी 90, मतलब दो कॉमन ले लिया, दो कॉमन को मतलब है एक तरीका में पूरी में दो को भाग दे दी कोई को बराबर। अब घटा लियो 5y मुँह 2y क्या 3y, 165 मुँह 90 गया कितना रहा 75, वाई बराबर 75 बट्टा 3 कितना आया, बहुत सिंपल है था ना, आराम करना है तसल्ली सवर जोड़ बाकी कोई गलती नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 17 वो आएगी सीट अब डांटा है डरता दो दिखे वे 17 क्यों डो है अरे इन कांच में दिखे जिन दिखे गए यार कोटे कॉमन लाउंड में आ गया ना तो मैग माउंट में ले हूँ पार्टी अंकल सगना हाँ बाद में हिसाब बराबर कर दें गाँव का है कि कटी कसर काट दें दिनेश सी ले जो 5 मिनट है कहाँ सी की लई मोना ले एक उठा लियो वेजिटेबल ग्रेडी है चिटिंग की हालत में रहो जन करो सगड़े एक दूसरे मुँह कान देखे जो एंड मीनाक्षी पहले दो थैंक यू चलो जल्दी देखो आगे फाड़ के 5 मिनट में क्या क्या देख लोगे इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट बोलो भाई कौन सा करें 32 32 ही करना ना ठीक 32वां क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है ये दी गई आकृति और ये वृत्त का केंद्र ओ ठीक है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ऐसे बनाया हुआ है ये यहां पर ए है
ये यहाँ पर बी है, ये यहाँ सी है, ये डी है, और इधर से ऐसे मिला हुआ है, और यहाँ पर दे रखा है 25 डिग्री। अब बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है किसके, तो कोण सी ए डी कितना होगा। हाँ, और जोर से, और जोर से, आराम से। ये व्यास है, व्यास होता है वो यहाँ पे कितना कोण बनाएगा, 90। ये यहाँ पे 90 बनाएगा। मुझे बताओ कि 90 और 25 कितना हो गया, 115। तो ये 115 थी, ये कितना होगा, 65, क्योंकि तीनों अंत्य कोणों का योग 100 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये समानांतर रेखाएं हैं, ये समानांतर है, तो समांतर रेखा। अब देखो थोड़ी बहुत और भी चीज देखो, ओ 65 है, और चूंकि चक्रीय चतुर्भुज है, ओ 65 है, ओ की तो 115 हुई जड़े, तो 180 हुई अंक योग, ओ गो 115। अब थे एक चीज देखो के ओ एक जो समानांतर रेखाएं होती है इनके लिए ये एक तिर्यक रेखा है, और इसको अपने को ज्ञात करना है कोण सी ए डी, ये ज्ञात करना है, इसको मान लिया एक्स। तो मुझे बताओ एक समानांतर रेखा के, समानांतर रेखा होती है उसमें जो तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 पढ़ाया हुआ है आपको, 180 होता है। तो बताओ इसका और इस पूरे का योग कितना होगा, 115 और x प्लस 25 का योग कितना होगा, 180। 115 प्लस x प्लस 25 बराबर कितना होगा, 100। ये कितना है, 115 और 25 हो जाएगा 140। तो x बराबर कितना आ गया, बहुत सिंपल है। एकांतर, हाँ 25 से ऊपर 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नई नई शीट हाथ लगी है हमें, चीटिंग को ध्यान रखिए, जो चीटिंग मत करने दीजिए, गणा दिन है हैदराबाद रन्नेर बन्नेर। आप आगे कन्नून तो है आज करें जी, मैं बापू भोजनालय में मैं गुरु जी कहता क्या कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, यान कहता सर कोई पढ़ता नहीं जाना, यान कहता बेटा आज बापू भोजनालय में खाणो कहो ना जी, ठीक है बाद में सब समझना जी, आज बापू भोजनालय। चलो ये कर लिया नोट, ठीक है अब आगे बोलो कौन सा बताएं। एक चक्री समांतर नहीं, सदैव होने का तो कोई जरूरी नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी बना दे। कौन सा है यार, कौन सा बोल रहे हो, हाँ ये आयत होगा, बताएंगे 35 ही बताऊँ, सब बताऊँ लार थोड़ी रहा था। वो सी दिया भाई नहीं है ना इसमें, सी कहाँ दिया हुआ है, इसका ये चेंज करो आप, ये चित्र इसका नहीं है, ये चित्र इसका है ही नहीं, ये 35 के पास में जो चित्र है वो 35 का ही नहीं है, ये ठीक इसी प्रकार है जो जिसके करीब दिखता है वो इसका है ही नहीं, ये सिर्फ दिखता है। 33वां, एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज सदैव एक होगा, एक आयत होगा। हाँ नहीं, चक्रीय होगा और समानांतर होगा तो 100% आयत होगा, नहीं दोनों समानांतर होगी, दो समान होगी, ठीक है उसके बाद में वो क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, मतलब एक सर्कल के अंदर होना चाहिए, सर्कल के बाहर तो अपन ऐसा कर दें उसको समलंब बना दें, समझ नहीं बात भाई, अपन दो बराबर काट दी, ठीक है तो बी मान आप यहां समझ लियो कोई सर्कल में नहीं गाले, आप मैंने यहां और क्या टेढ़ी मेढ़ी करा, समझ नहीं बात,
समानांतर होनी, रेखा है जबकि दोनों का होनी एकदम पैरेलल होनी, चक्रीय होनी और साथ में का होना समानांतर होना, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज में क्या होती है, उसकी जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, एकदम समानांतर चलने चाहिए। तो समानांतर होगी सीधी होगी, क्योंकि यदि वो ऐसे तिरछी दे देगा तो नीचे जाके अनंत पे क्या कर देगी, कट कर देगी, और जो रेखाएं कट करती है वो कभी भी क्या नहीं होती, पैरेलल नहीं होती। समझ में आई बात? जोड़ा होता दोनों पैरेलल होती, नहीं दो में जरूरी नहीं, हो भी सकता और नहीं भी, चारों समांतर, क्योंकि दो होगी ना, यदि यदि मान लो दो हो, दो पैरेलल हो तो वो समलंब हो जाएगा ऐसे कट होके। थर्टी थर्टी है, 35 अभी करेंगे। बताओ भाई आगे पूछो, कौन सा करना है, 33 हो गया, 34 35 में से कौन सा, चौंतीसवां कर लिया 30 से, किया कोमल आपने कितना यार, 34 में 60 आया आपके, देखो इनका देखना पीछे देखना, 35 तो करेंगे आज, अभी 35 बता के फिनिश करते हैं। जीनियस लोगों के आ रहे हैं, बाकी हम कर रहे हैं अभी हम। देखो इसका केंद्र ओ है, जीवा है ए बी, ये 16 है, और ओसी ओसी लंबवत है इसके, तो ये कितनी हो जाएगी, 16 का आधा आधा 8 8, और ओसी है ये कितना कह रहा है 6, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओ ए क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 36 प्लस 64, तो 100 का स्क्वायर नहीं, 100 का स्क्वायर रूट बिल्लीमोसी, ये कितना आएगा 10, तो ओ ए कितना आ गया 10, और ओ ए ही इस वर्त की क्या है रेडियस। 36 चार नहीं आएगा, 8 आएगा, हाँ हाँ बताओ बताओ, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये रही 5 सेंटीमीटर, और उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से कितनी दूर है 3 सेंटीमीटर, ये 5 ये 3 ये कितनी आएगी, ये और ये बराबर होती है, तो कितनी हो गई, ओ माय गॉड, ये 4 कैसे आया, दिस ये 4 कैसे आया, देखो जैसे ये राठौड़ कुआं तक है ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर, खुशी देखो टपक रही ए बी स्क्वायर, ओ ए ओ बी ए बी याद करना, 25 इधर है, 25 में से 9 गया, ये स्क्वायर है, तो अंडर द रूट ऑफ 16 ये 4, तो ये भी कितनी होगी, क्यों, क्योंकि जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ये 4 तो ये 4 8, चलो बाग कल करेंगे फिनिश, रोको इसको, क्यों की तान सोमवार का ठापड़ी क्यों, रोको भावना।